अरे यार अनु, गजब लूट है भाई। ये देखो, गेमिंग फीस 1500 रुपया। ये पबजी जब से बंद हुआ तब से ऐड किया होगा ना। 6000 रुपया मिसलीनियस यार। मतलब दोस्तों, सोनी डिप ने लाइव कर दिया है गुल्लक का सीजन 3, जो की 7 अप्रैल को आना था, पर थोड़ा सा पहले ही इसको रिलीज कर दिया। 6 तारीख को 10-11 बजे सीजन 3 के 5वां एपिसोड लाइव कर दिए गए। और ये सीरीज मैं तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकता था, और मुझे ये लगता है तुम में से भी किसी ने इसको मिस नहीं किया होगा। ये है एक मास्टरपीस जिसको तुम फैमिली के साथ देख सकते हो। इतना ज्यादा इस सीरीज के साथ रिलेट करते हो खुद को, एक एज ए मिडिल क्लास फैमिली का हो या लो मिडिल क्लास फैमिली का हो, क्योंकि ये सीरीज है ही इतनी ब्यूटीफुल। तो मैंने भी इस सीरीज को देखा और मैं बताऊंगा सीरीज कैसी है, क्या कमियां हैं सीरीज के अंदर और क्या खूबियां हैं, और क्या इस बार नया देखने को मिला है आपको सीजन 3 के अंदर। अभी तक जिन भी लोगों ने गुल्लक सीरीज को नहीं देखा है, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई रह गया होगा, पर फिर भी अगर कोई रह गया है तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ इसकी कहानी से। तो गुल्लक की कहानी है मिश्रा परिवार। परिवार के पहले मेंबर हैं संतोष मिश्रा, जो कि एक ईमानदार पिता हैं और बिजली विभाग में काम करते हैं। घर के दूसरे मेंबर हैं घर की माँ। अगर वो नाराज हो जाए, तो इन केस अगर वो नाराज हो जाए, तो भाई फिर उनको मनाने के लिए पूरा घर लग जाता है। तो घर के 2 बड़े बेटे हैं अमन और अनु मिश्रा। अनु मिश्रा घर के वो बड़े बेटे हैं जिनसे घर वालों को ज्यादा उम्मीदें हैं कि बेटा सरकारी नौकरी करेगा, जिम्मेदारियां उठाएगा और घर वालों का नाम रोशन करेगा। वहीं पर घर का छोटा बेटा अमन मिश्रा, जो कि है एकदम मनबुद्धि सर्रे टाइप का, पर जान के हैरानी होगी तुम लोगों की कि वो 10th क्लास में स्कूल टॉपर है। वो किसने कैसे टॉप किया कैसे नहीं किया, ये मुझे भी जानना है। मिश्रा परिवार की कहानी है कि भाई वो एसी का टेम्परेचर नहीं घटाते, बाहर का टेम्परेचर 24 है और उनका एसी चल रहा है 26 पे, क्योंकि बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। अपने बड़े बेटे से पहले सैलरी मारने में हिचकिचाहट होती है उनको, और पर एक ऐसे बड़े भाई की कहानी है जो अपने शौक को साइड में कर देता है अपने छोटे भाई की स्कूल एडमिशन फीस को भरने के लिए। सीजन 3 के अंदर आप लोगों का पूरा ध्यान खींचते हैं संतोष मिश्रा जी, यानी कि जमील खान साहब। गुल्लक सीरीज के अंदर उनकी कॉमिक टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी बहुत ही जबरदस्त रही है, जिसकी वजह से सीजन 3 के अंदर सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कैरेक्टर आपको उन्हीं का लगेगा। इस सीरीज में तुम्हें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसका नाम है फुर्तीली। ये एक लड़की है जिसकी शादी का जिम्मा संतोष मिश्रा साहब ने उठाया है, और क्यों उठाया है ये तुम सीरीज में देखोगे। पर ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो रहता सिर्फ एक एपिसोड में है, पर इस पूरे सीजन में तुम्हें याद ज़रूर रह जाएगा। और अब बात करते हैं इस सीरीज़ के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट की, और वो है इस सीरीज़ की राइटिंग। तो अब बात करते हैं सीरीज़ के बेस्ट पार्ट की। सीरीज़ का बेस्ट पार्ट है इसकी राइटिंग। इसकी राइटिंग ही है जो तुम्हें बांध कर रखती है हर सेकेंड, हर मिनट, हर एपिसोड के अंदर और हर सीजन के अंदर भी। सोच ही नहीं सकते कि सीजन को या किसी भी एपिसोड को फास्ट फॉरवर्ड करके देखो। अब राइटिंग की ही बात कर रहा हूँ तो मैं एक और चीज़ तुम्हें बताना चाहूँगा इस सीरीज़ में। सीजन 3 के अंदर मेरा बेस्ट एपिसोड रहा है सीजन 5, जिसके साथ मैं इतना ज़्यादा रिलेट कर पाया है, क्योंकि कुछ हद तक कहूँ कि वो मेरी ही कहानी है ऐसा मतलब लगा मुझे, और ऐसा बहुत से और भी लोगों को लगे। और वो जो इंसिडेंट हुआ है लास्ट एपिसोड के अंदर, वो मेरे साथ भी हुआ था कुछ महीने 2 महीने पहले, जिसकी वजह से मुझे लगा कि यार ये तो मेरी कहानी बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम मेरे साथ हुआ था। वो सब देख के मेरी आंखों से भी आंसू निकले, और शायद तुम लोगों के आंखों से भी आंसू निकलेंगे ज़रूर, क्योंकि वो सीन है ही ऐसे, वो कहानी है ही ऐसी। तो इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर कहूँगा यार सीरीज़ के राइटर्स को और TVF को, खासकर जब वो ऐसे इस तरीके के कंटेंट बनाते हैं जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसका लोग को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और आप बेझिझक होके किसी को भी रेकमेंड कर सकते हो, किसी के साथ भी देख सकते हो और किसी को दिखा भी सकते हो। क्योंकि आजकल की वेब सीरीज़ का तुम लोगों को पता है यार बहुत कम ही ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा और सा निकल ही आता है जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, या फिर पर ये चीज़ ही ऐसी है, ये मास्टरपीस है जो मैं कभी तो नहीं भूल पाऊंगा और तुम लोग भी कभी इसको भूल नहीं पाओगे। सीरीज़ के अंदर कैमरा वर्क काफ़ी अच्छा है, पूरी टीम ने अच्छा काम किया है। सीरीज़ की कहानी बहुत ही अच्छे पेस से आगे बढ़ती है, क्योंकि इसके सारे ही एपिसोड्स में एक अलग कहानी है, तो तुम किसी भी एपिसोड्स को पहले भी देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। और सीरीज़ की सिनेमाटोग्राफी, जितने भी सिनेमेटिक शॉट्स लिए गए हैं उनकी जो प्लेसमेंट है यानी कि एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है सीरीज़ की। साथ में ही उस एडिटिंग में और उस कैमरा वर्क के अंदर जो तड़का लगाता है वो है इस सीरीज़ का म्यूज़िक। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, और इस बार तुम्हें 2 गाने भी सुनने को मिलेंगे सीरीज़ के अंदर। मैं तो ये कहूँगा भाई कि ऑफकोर्स ये सीरीज़ एक बिंज वॉच सीरीज़ है, ये कहने की खास ज़रूरत भी नहीं। तो इस सीरीज़ के अंदर जो काम खास है, मतलब बुरा मत माना पलाश पासवानी ने काम अच्छा किया है, पर इस सीरीज़ का जो मेन
कहते हैं ना जो रूट्स हैं वो इसकी राइटिंग है, इनकी कलाकारों की परफॉर्मेंसेस है। तुर्केश सिंह इस सीरीज का राइटर है जिनके पंचेस टैगलाइन बिल्कुल रेलेवेंट है, बिल्कुल सटीक बैठते हैं। और उनकी राइटिंग की एक खास बात है कि वो आम नागरिक जो कहना चाहता है, एक मिडिल क्लास फैमिली जो कहना चाहती है, उसको स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिखाते हैं। सीरीज के तीसरे एपिसोड में शांति मिश्रा का एक डायलॉग है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो हमारी सोसाइटी के लिए एक मैसेज भी देता है। और वो डायलॉग जो है वो फुर्तीला की शादी से रिलेटेड है। और वो डायलॉग है, हमारी लड़की को डाउट है, जब लड़के को डाउट होता है तो उससे पूछते हैं कि उसको क्यों डाउट है। कहने का मतलब यही है कि जब शादी होती है, एक लड़का एक लड़का दोनों के लिए ही बराबर राइट्स होते, सिर्फ ये नहीं कि हाँ, और ख़ासकर अरेंज मैरिज के अंदर कि लड़का है तो कुछ भी कहेगा, कुछ भी सुनेगा, कुछ भी पूछेगा, तो लड़की का भी उतना ही हक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में एक अगले नए रिव्यू में।